अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कंपनी में पहुंच गया था। कंपनी में था मैं आज अपने, कल तो ट्रेनिंग में कैबिन से ट्रेनिंग ही चल रही थी। उसके बाद वो आज बहुत अच्छा रहा कंपनी के, सिम निकाला मैंने। आप सोच नहीं सकते कि सिम मैंने कितना सस्ता में खरीदा है, कुल 15 रुपये में सिम खरीदा है। तो यहाँ 15 रुपये का सिम यहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पांच रहा ना। हाँ, लेकिन अब 15 रुपये का सिम आप सोच लीजिए, कि 15 रुपये का सिम जब हमने जोड़ के देखा कितने में पड़ता है, तो वो 1575 रुपये पड़ा हम लोगों को एक सिम। एक महीने का नेट है, वो भी इंडिया की तरह अनलिमिटेड नहीं है। कितना मिला है शायद 20,000 MB मिला है, 20,000 MB है। बाकी हम लोग इंडिया से जो पैसा लेके आए थे, तो वो भाई मेरे पास ज़्यादा पैसा बचे नहीं थे, 500 रुपये बचे थे। तो मैंने भाई को दिया, तो उसने 50 रुपये अभी ला के आप लोग के सामने दिया है मुझे, ये 50 रुपये है। लेकिन एक चीज़ और कि मैं पता लगा जैसे इंडिया में कि इंडिया में कोरोना टेस्ट और RT-PCR टेस्ट जो हुआ था हमारा, तो वो पैसा हम लोगों को वापसी मिल जाएगा। जैसा कहा था लगभग वैसा ही हुआ है, पैसा तो मिला है हम लोगों को। जो हमने वो किया था RT-PCR टेस्ट किया था, उसका पैसा मिला है हम लोगों को, ना के करोड़ मेडिकल का। इसे हम लोग को यहाँ के मेडिकल 2,000 रुपये में हमने कराया था, तो अभी इसको मैंने जोड़ा नहीं, 2,000 का कितना बनता है, 1900 रुपये का। ठीक है, ये मिला है मुझे 10 करोड़। ये 10 रुपये जो है यहाँ का, जो 10 रुपये है वो है ये मेरा दोस्त है आशुतोष, वो आ रहा था, मैं थोड़ा सा शुरू करूँ। ये 10 रुपये है यहाँ का, इसका मतलब ये 10 रुपये यहाँ का है, 10 रुपये इसका। इसमें लिखा है अशरतु दिनारू, ये है 10 रुपये यहाँ का। अपने इंडिया का लो देखो, 1,000 रुपये है, 1,000 मतलब 1100 हो जाता है। और ये 5 का नोट जो मैं आपको बताया था, वो 5 का नोट है ये, तो 10 वो और 5 ये 15 हो गया। ये खमसतु दिनार, ये भी है। उसके बाद फिर ये 15 हो गए और ये 1 रुपये वाहिद, हाँ दिनारून वाहिद मेरे पास हो गए 5, वो भाई जो और ये इंडियन पैसे, ये 5। तो अब हो गए मेरे पास पैसे 2,2400 रुपये हो गए लगभग। ये 2400 रुपये जो मेरे पास हो गए, इन 2600 के, ये 2400 रुपये लगभग 2600 के आसपास जाएंगे इंडिया के। तो ये है वो पैसे। तो जैसे मैं कंपनी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था, तो कंपनी गया पहले दिन वहाँ रहा, तो कंपनी में सबसे पहले मतलब घुमा फिरा, जहाँ काम पे लगाना था वहाँ मुझे लेके खड़े थे और उस जगह बातचीत चल रहा था। तो उसी के सामने एक अरबी है, उसका नाम तो मैं भूल गया, बगल में एक आंटी और अंकल है दाएं और लेफ्ट हैंड पे। तो उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुआ, फिर मैंने नमाज के बारे में उन लोगों से पूछा, उसने इशारे में कहा मैं सब। और उसके बाद एक और सामने लेडी थी, तो एक और लड़का था, मैं उससे मिलने गया, तो उससे बातचीत हुई, वो भी अरबी लेडीज़ थी। तो उससे बात करते करते फिर उसने मतलब सलाम दुआ के बाद फिर वही नाम बताया मैंने, तो नाम बताते ही तो फिर उसने कहा मुस्लिम, तो मैंने हाँ। फिर मैं मास्क लगा रखा था, मैंने अपना मास्क हटाया, तो मैंने जब अपना मास्क हटाया तो उन्होंने कहा
मतलब उसने इशारे मतलब बोला तो अपने भाषा में, लेकिन तो वो तो मुझे समझ में नहीं है, लेकिन उसके हाथ के तरीके से पता लग गया कि क्या थोड़ा बहुत तो अरबी हम लोग भी वही, उसने दाढ़ी की तरफ इशारा भी मिला, हैवी भी मिले तो देखेंगे दाढ़ी रखता है कि नहीं, मतलब सफन सफा अला हबीबी ऐसी कुछ, अब वो हबीबी का मतलब अब आके समझ में आ गया हबीबी किसको कहते हैं, वरना तो अपने इंडिया में तो खूब हबीबी चल रहा था, लेकिन पता नहीं था कि वो हबीबी क्या होता है। तो मतलब उन्होंने इशारा किया कि तुम्हें हबीबी मिलेगा तब देखेगा मैं कि तुम दाढ़ी रखते भी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं इंशाल्लाह मैं दाढ़ी तो नहीं, मैं कुछ भी हुआ दाढ़ी तो मैं नहीं हटा सकता मैं। तो बोला नहीं देखेगा बाद में, तुमको हबीबी मिलता है तो क्या होता है, तुम दाढ़ी रखते हो या नहीं रखते हो। बाकी तो अब एक बात का बस स्पेशली आप लोगों को मतलब ये एक न्यूज़ मतलब एक वो क्लू मिल गया है, अगर मैं दाढ़ी के बगैर इंडिया आया तो समझो कि वही हुआ जो उसने कहा है। तो और फिर उससे बहुत सारी बात हुई, फिर मैंने उससे पूछा कि आपका निकाह हुआ कि नहीं, मेरा भी निकाह नहीं हुआ, वो काफ़ी लगभग एज मतलब 40+ होंगी। तो फिर उससे मैंने पूछा कि नहीं ये हुआ तो नहीं, मतलब मेरा भी एक हबीबी है मतलब इंडियन है, वो इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय बांग्लादेश और पाकिस्तान से, लोगों को ज़्यादा इंडियन को लोग पसंद करते हैं। और कंपनी में भी हम लोग थे तो वहाँ भी मतलब जो मीटिंग हो रहा था तो वो भी जो है इस बात को कह रहे थे कि हम लोग इंडिया को ज़्यादा चांस देते हैं, मतलब अभी एक दिन में इतना कहानी हो गया। तो अब जो है तीन साल पूरे बाकी, फिर शाम के टाइम तो मैं वहाँ शाम के टाइम फिर तो पैसे दिए उन्होंने हमें बुला के, बाकी लोगों को तो पहले ही दे दिया था। बाकी सारे साथी हमारे एक ही बात है कि प्रेशर आएगा तो क्या होगा, बाकी पता नहीं अब अल्लाह बेहतर जाने। वैसे अभी फिलहाल तो अब तक तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब कुछ मतलब एक औरत है इधर कंपनी में बंगालन मतलब वो साइड मतलब लाइन इंचार्ज है, तो मैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट था तो वहाँ पर मतलब बार बार आके प्रेशर कर रही थी। तो इस तरह का मतलब काफ़ी मतलब धीरे धीरे मतलब उनका क्या है चीखने चिल्लाने का, मैंने लोगों से पूछा कि क्यों नहीं, बोले इनका काम ये चिल्लाने का, चिल्लाने दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह की सारी बातें होती रहती हैं। बाकी आइंदा भी हम बातें करते रहेंगे आपसे, लेकिन बाकी दोस्तों से सबसे मेरा कहना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह करें, ताकि और 1000 सब्सक्राइबर भी हमें पूरे करने हैं। और इंशाल्लाह जब मैं इधर कहीं घूमने वगैरह जाऊँगा तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को वहाँ का लाइव दिखाऊँ, क्योंकि इसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होगा तभी यूट्यूब पर मैं लाइव आ सकता हूँ। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर न्यू है, अभी लगभग 150 सब्सक्राइबर 160 हो गए हैं, तो इतने ही सब्सक्राइबर हुए अभी मुझे लगभग 840 के आसपास और चाहिए, तो उसके बाद ही मैं लाइव आ सकता हूँ, चैनल मोनेटाइज होगा, अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि बस आजकल तो ज़िंदगी ऐसी हो गया भाई, तुम थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, सबसे यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं। आप लोगों से भी मैं यही कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्या है कि मेरे लिए भी आसानी हो और मैं भी खुशी मुझे और भी ज़्यादा जोश मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।